हेलो एवरीवन दिस इज़ रितु शर्मा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडो फ्लाइट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की जो कि आई हुई है दिल्ली में इसके लिए आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है और आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा तो फटाफट से इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और आपका इंटरव्यू किस डेट को होगा किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो फटाफट से देख लेते हैं सारी चीज़ें जो वैकेंसीज़ हैं कुछ इस प्रकार हैं कॉमर्स की वैकेंसीज़ हैं अन एंड ओबीसी की और इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो सत्रह नवंबर दो हज़ार बीस है और जो टाइमिंग है वो साढ़े दस बजे फिर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है इसमें अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है इसका इंटरव्यू होगा आपका अठारह नवंबर को और इसका भी सेम टाइम है साढ़े बजे फिर है हिंदी की अनरिजर्व एंड ओ की वैकेंसी जिसके इंटरव्यू की डेट है तेईस नवंबर और इसकी भी टाइमिंग साढ़े बजे ही है पोलिटिकल साइंस में भी अनरिजर्व एंड एस की वैकेंसी है जिसकी इंटरव्यू की डेट है बीस नवंबर दो हज़ार बीस और इंटरव्यू की टाइमिंग है साढ़े दस बजे इंग्लिश की है अनरिजर्व की वैकेंसी जिसका इंटरव्यू उन्नीस नवंबर को होगा और स्टैटिस्टिक्स में एस एंड एस की वैकेंसी जिसका इंटरव्यू भी उन्नीस नवंबर को ही होगा लेकिन जो इंग्लिश का इंटरव्यू है वो बारह बजे है और जो स्टेटिस्टिक्स का इंटरव्यू है वो साढ़े दस बजे है ये जो वैकेंसी है ये आ रही है P.G.D.A.V. कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यहाँ पे इन्होंने लिखा है नोटिस में ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन अडॉक बेसिस मतलब ये अडॉक बेसिस की वैकेंसीज हैं विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखे ये किया जाएगा प्लीज़ नोट दैट द टेन्यूर ऑफ दिस पोस्ट इज फोर मंथ्स फोर मंथ्स के लिए होता है इस वैकेंसी जो भी अडोक वैकेंसीज होती हैं उसका टेन्यूर टिल द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक सेशन और द टिल डेट दैट द परमानेंट इनक्यूबमेंट री जॉइंस हिज हॉर हर ड्यूटी मतलब जब तक इनका कोई परमानेंट नेचर नहीं आ जाता तब तक के लिए वैकेंसी आपके पास रहेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी है वो यूजीसी या, या यूनिवर्सिटी दिल्ली की जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से बेसिकली आपका मास्टर्स और यू जी सी नेट क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट हुज़ नेम अपेयर ऑन द दिल्ली यूनिवर्सिटी एडॉक पैनल और इसी के साथ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडॉक पैनल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जो रिसेंट वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला तब ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज रिजर्व राइट टू चेंज और नॉट टू फिल एनी अब नोटिफाइड पोस्ट मतलब कॉलेज के पास ही राइट है और यहाँ से जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिल करना है एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं ये है पीजी डी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें जाके जब आप इधर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं इसमें जब आप यहाँ वैकेंसी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से और भी नोटिफिकेशन आपके सामने खुल के आएंगे और ऊपर सबसे फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है ये छः ग्यारह दो वाली एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन अड बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा और यहाँ पे ये जो नीचे लिंक दिया हुआ लिंक फॉर द गूगल फॉर्म फॉर द अबअ पोस्ट तो यहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये गूगल फॉर्म का लिंक खुल के आ जाएगा जहाँ से आपको इसमें अप्लाई करना है इस तरीके से कुछ लिंक खुल के आएगा आपके सामने ओके और यहाँ पे आपको सभी जो भी चीज़ें हैं अप्लाई करनी है इसमें मेन चीज़ जो है इंपॉर्टेंट आपका एडहॉक पैनल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको उसका नंबर प्रोवाइड कराना पड़ेगा और दूसरी बात इन्होंने लिख दिया है जिनका भी रिसेंट वाले में अप्लाई नहीं किया जिन्होंने भी वो इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे तो उसमें अगर आपका अडॉक में रजिस्ट्रेशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें एंड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय ऑल द बेस्ट